चलिए बनाते हैं स्लीव्स का एकदम प्यारा सा यूनिक सा लेटेस्ट डिज़ाइन जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हो रहा है, बट इसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। साथ ही साथ मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं क्या क्या मिस्टेक करती हूँ। तो मेरे साथ ये मिस्टेक हुई कि मेरा ही कपड़ा आयनिंग करने में जल गया है। देखो आप थोड़ा सा देख सकते हो कि कितना मैशी हो रहा है, बट स्लीव्स बहुत प्यारा बना है। तो आप भी अगर प्रेस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने स्लीव्स को एक्सचेंज कर लिया, नया बना लिया है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टापेटा फैब्रिक लिया। कोई भी कड़क फैब्रिक लेंगे तो स्लीव्स का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। बेसिक स्लीव्स की आपको एक कटिंग कर लेना है, आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। लेंथ ली 11 और उसके बाद चौड़ाई जितनी भी आपकी हो उसमें जितना आप एक्स्ट्रा गुंजाइश लेते हो वो आपको ले लेना है। 9 इंच की मैंने यहाँ पर चौड़ाई ले ली है, बहुत ही सिंपल है। तो जैसे अपन मार्किंग करते हैं, यहाँ पर डबल फोल्ड करा कपड़े को और एक फोल्ड और करके, जैसे हम एक बेसिक स्लीव्स की मार्किंग करते हैं ना, वैसे हमें कपड़ा कट करने का जो प्रोसेस रहता है आपको ईजिली वही कट करना है। बट आगे आपको क्या करना है बहुत ही ईजी में बताऊँगी। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, प्लस मेरे Instagram को भी फॉलो कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। तो नॉर्मली तो हमें इतना कपड़ा लगता है, बट हमें प्लीट्स लेने हैं ना तो हमें जस्ट डबल कपड़ा लेना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा और कपड़ा लिया है। लंबाई जो हमारी 11 इंच थी वो ले ली, उसके बाद चौड़ाई जो हमारी 9 आ रही थी ना, तो ये 9 तो लिया है, 7 + 2 तो ये गया 9, उसके बाद 9 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। ये 4 फोल्ड है ना, तो लगभग हमारा 18 इंच की चौड़ाई हो गई है, लंबाई हो गई है, सॉरी चौड़ाई हो गई है, लेंथ हो गई 11 इंच। मैं बोलूँगी अगर आप चौड़ाई 20 इंच भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको 3 प्लेट्स डालनी हो तो, ताकि आपका बहुत अच्छे से स्लीव्स बन के रेडी आएगा, चौड़ाई में कम ना पड़ेगा। उसके बाद दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर दिया है। देखिए स्लीव्स बहुत सिंपल है, बस प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आइए इसकी पूरी स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सेंटर पे मार्क कर लेना है। देखिए 1/2 इंच नीचे 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा हमारा, तो आपको इसीलिए मैंने 11 इंच लिया कि स्लीव्स बनने के बाद 9.5 इंच या 10 इंच आपका रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको तीन ब्लॉक निकालने, मतलब 3 इंच का ब्लॉक 1, 3 इंच का ब्लॉक 2, 3 इंच का ब्लॉक 3। यहाँ पर आप 3 गैदर्स लेना चाहो तो 3 बार निशान लगाना, 2 लेना चाहो तो 2। देखिए मेरे हाथ जो है वो पतले है तो मैं 2 ब्लॉक ही लूँगी, बट जो रील जो ये स्लीव्स वायरल हो रही है उसमें उन्होंने 3 गैदर्स ले रखे, तो आप जैसा बनाना चाहो आप देख सकते हो। चलिए अब इसकी स्लीव्स की मार्किंग कर ली है हमने, अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर से हम अपने गैदर्स को सेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले को उठाया, देन बिल्कुल सेंटर में सेट कर लिया। बहुत ही ईजी है, कड़क कपड़े में तो बहुत ही फाइन बनती है ये। तो आप देख सकते हो कि जो कपड़ा एस टाइप का होगा वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। सेकंड वाले को भी उठाकर सेंटर में प्लेस कर लिया, बिल्कुल पास पास में। दोनों को प्लेस करने के बाद यहाँ पर मैंने फर्स्ट पे 5 इंच पे मार्किंग करी है। आप चाहो तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देना, अगर आपको 3 गैदर्स लेना हो। 2 गैदर्स लेना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैंने एक को 5 इंच पे लिया है, सेकंड वाले को 8 इंच पे लिया है। देखिए उसके बाद सेकंड वाला मैंने फिर से सेट करा है, इधर से भी सेट करा है। उसके बाद कि ये जो मेरी एक मार्किंग थी 5 इंच की वो कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड वाले का जितना भी पोर्शन बच रहा था मैंने उसका हाफ कर लिया था। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस से आपको इजी वे में बताती हूँ। सेकंड चीज़, जो जो भी मिस्टेक मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ें फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि यार आप लोग एक मिस्टेक ना करें, इसलिए मैं इजीली मतलब मैं अपनी गलतियाँ भी बता देती हूँ ताकि आप लोग वो गलती ना करो। और गलतियाँ बताने से ही इंसान को समझ पड़ती है, प्लस आप लोग ध्यान भी रखोगे कि ये मिस्टेक ना हो। तो ये मैंने दोनों चीज़ों को सेट कर दिया है। अब इसके जो गैदर्स थे हम इसको फ्लिप कर लेंगे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, बहुत ही इजी वे में। तो एक मेरी मिस्टेक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा सा स्लीव्स बना था बट आयनिंग करते हुए कपड़ा एकदम से जल गया। सेकंड मिस्टेक, मैंने पूरी वीडियो मतलब मेरा पूरा बन के रेडी हो गया, वीडियो शूट करी थी तब ये वाली मिस्टेक मैंने देखी, अदरवाइज़ मैं इस मिस्टेक को पहले ही सही कर लेती। देखिए क्या मिस्टेक हुई, ये दोनों सब कुछ सेट कर लिया, जो अंदर के मेरे एक 5 इंच पे और एक जो 8 इंच पे जो लाइन जा रही थी वो आप लाइन देख सकते हो कि दोनों मैच नहीं हो रही, सीधी नहीं आ रही है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में या फिर अभी आगे आप वीडियो में देखना, आपको पता चलेगा कि वो बिल्कुल सही नहीं हो रही, एक में सही आ रही है एक में नहीं आ रही है। जिसमें सही आ रही थी वो मेरी स्लीव्स जल गई, तो मैंने उसको पूरा न्यू क्रिएट करा। बट इसमें मेरा पूरा बनने के बाद देखा तो अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोनों स्लीव्स को मैं फिर से सेट करूँ। तो ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैशी सा लग रहा है, तो वो भी मिस्टेक आपको ध्यान रखना है। वियरिंग करने पर हो सकता है बटन लग जाए तो इतना नहीं मालूम पड़े, बट आपके साथ मिस्टेक ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
नॉर्मसली उसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद आगे से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई और कट कर दी है। आप चाहो तो जो अपन ने स्टार्टिंग में स्लीव्स कट करी थी उसको रख के भी आप प्रॉपर स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ से हमने सब कुछ प्रॉपर वे में निकाल लिया है। अब हमारा लाइनिंग के साथ इसको अल्टर करना है। लेंथ अगर आपको स्लीव्स की कम लग रही हो तो यहाँ पर आप कुछ भी रफल लगा सकते हो, अम्ब्रेला रफल लगा सकते हो, या नॉर्मली कुछ भी बेल्ट की डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हो। तो ये प्रेस सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर और एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। देखिए स्टिचिंग में फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि फिनिशिंग भी दूँ और परफेक्शन भी दूँ और साथ ही साथ इजी वे में आपको न्यू डिज़ाइन भी बताऊँ। जो स्लीव्स इन्होंने बनाया था जो इंस्टा पे यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा था उसमें 3 प्लेट्स लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पतले हाथ पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट होगा प्लस लुकिंग नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए 2 लिया है। तो आपको 2 में भी इसका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी इसका वेयरिंग लुक बताऊँगी, बहुत जल्दी इसका ब्लाउज़ का फुल लुक बताऊँगी, वो भी बहुत प्यारा बना है। तो मेरी इंस्टा और यूट्यूब पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना। और इसमें आपको कुछ मिस्टेक लग रही हो तो मुझे ज़रूर बताना ताकि नेक्स्ट टाइम में प्रॉपर कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग मी।